भाई तू लाइट ऑन कर, वो इधर ही कहीं होगा। ठीक है भाई। मॉम, मॉम, चोर पकड़ा गया। ये है चोर, आपकी रूम की तरफ से भागकर इधर आया था। ये भगवान, तब तो मैं मेरे कमरे में जाकर देखती हूँ, इसने कहीं हाथ साफ तो नहीं किया है वहाँ। अहम दिख रहा, संभाल के पकड़ के रखना है इसको। तुम लोग अभी यहीं रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। जब तक पुलिस आती है इसे कहीं बंद करके रखना चाहिए। इसको स्टोर रूम में बांधना ठीक रहेगा। हाँ काका, पकड़िए, मैं रस्सी लेकर आता हूं इसे बांधने के लिए। किंजल के रक्षाबंधन के जेवर, वो कहां है? सच सच बोल, तू अकेला है या तूने अपना कोई साथी बाहर खड़ा किया हुआ है? जवाब दो, बोलो। नहीं भाई, मैं अकेला ही हूं। अहम, मेरे कमरे की अलमारी में से वो सारे जेवर गायब है जो तुमने और जिगर ने किंजल को रक्षाबंधन के दिन दिए थे। पूछ इससे, इस बदमाश से, कहाँ है वो सारे जेवर? नहीं भाभी। भाभी बोलता है मुझे? नहीं, मैंने तो बस कुछ चांदी के सामान लिए थे और मैं किसी कमरे में नहीं गया। और आज तो जन्माष्टमी का दिन है, मैं कसम खा के कहता हूँ, तूने कोई कंगन या सेठ बैठ के हाथ तक नहीं लगाया। ये तो पहले ही मेरी आंखें फोड़ चुकी थी। चोर लफंगे, सच सच बता, कहाँ है मेरी दीकरी के दागिने? मॉम, आप शांत हो जाओ, आपको आपका सब सामान मिल जाएगा। पुलिस आ जाए। मैं तो इससे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये अकेला है या इसका कोई साथी भी है। एक बात बता, तू अंदर आया कहां से? जवाब नहीं दिया, तू घर में घुसा कहां से? मैं बताती हूं, ये पीछे के दरवाजे से आया है। वहीं से आया ना तू? हाँ।
पहुंचेगा पुलिस आने तक इस स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। जी भाई चल। अहम जिगर सब लोग हॉल में आओ। अहम जिगर संभाल कर बेटा। पुलिस 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। पापा हमने चोर को स्टोर रूम में बंद कर दिया है। अच्छा किया। वैसे पुलिस ने कहा है कि चोर के सामान की बोरी को कोई हाथ नहीं लगाना। आखिर में चोर के खिलाफ वही सबूत बनेगा ना। लेकिन मुझे मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है मेरी दीकरी के सोने के सेट और हीरे के कंगन की। गोपी वाओ, अरे चोर को रसोड़े में बिठाकर फल फ्रूट ये सब खिला रही थी तुम? अक्कल छे के नहीं? अरे इससे अच्छा कि तुम पहले शोर मचा देती तो इतना सब कुछ तो ना होता। काकी चाकू की नोक पे तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, फिर गोपी भाभी क्या करती? ठाकुर जी का शुक्र है कि उन्हें मौके पर यह बात सूझ गई और उन्हें चोर की आंखों में काली मिर्च डाल दी और उन्हें शोर मचाने का मौका मिल गया। जिगर ठीक कह रहा है। गोपी बहू तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और फिक्र करने की जरूरत नहीं। अहम तुम्हारे पास कमिश्नर साहब के घर का नंबर है? जी काका मेरी डायरी में, मैं अभी लेकर आता हूं। जिगर हमारे घर की जिम्मेदार वहू कहाँ है? काकी वो पूरे दिन भागदौड़ कर रही थी और रात को सोते सोते भी बहुत लेट हो गया, इसीलिए शायद आंख नहीं खुली होगी। ऊपर से पूरा दिन का उपवास, थकी भूखी प्यासी, बराबर ने मोटा भाभी। हाँ जिगर la 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 la